जब एक साथ इतने बाल टूटना शुरू होते हैं ना, तो लापरवाह से लापरवाह आदमी को भी लगता है कि अब तो कुछ कर लिया जाए। मैं आपको वो रेमेडी बताती हूँ जो मेरे बालों पे बहुत अच्छा काम करती है। एक्चुअली ये एक जड़ी बूटी है जिसके बारे में मैंने तब जाना जब मैं उत्तराखंड में रह रही थी, और इसका जो ऑयल है वो हेयर फॉल के लिए बेहतरीन काम करता है। तो वीडियो शुरू करें, लेकिन उससे पहले द मॉम शो को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास का बेल बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। तो ये है बाल छड़, इसे रतन जोत भी बोलते हैं, जटामासी बालजड़ी भी बोलते हैं। ये आपको आराम से किसी भी ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगी, और अगर नहीं मिले तो शहर के जो पुराने इलाके होते हैं जहां पर मसालों की दुकानें होती हैं वहां जरूर मिल जाएगी, और ना मिले या आप किसी झंझट में ना पड़ना चाहें तो ऑनलाइन जरूर मिल जाएगी। बालछड़ हमें खड़ा लेना है, बैठा हुआ नहीं लेना है। मतलब हमें साबुत बालछड़ चाहिए, पाउडर नहीं, क्योंकि पाउडर को कितना भी क्लेम करे कोई कंपनी कि ये बिल्कुल 100% प्योर है, उसकी प्योरिटी का भरोसा नहीं किया जा सकता। और आपको हेयर फॉल हो रहा है, जब बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो रिस्क क्यों लेना, साबुत लीजिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। तो साबुत बाल छड़ ले लीजिए और इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए ताकि इसे आसानी से बॉटल में डाला जा सके। लेकिन अगर आप किसी बड़े मुंह वाले जार का यूज करने वाले हैं तो आपको तोड़ने की भी जरूरत नहीं है। तो अब ले लेनी है एक बॉटल। मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की बॉटल ली है, जनरली जैसी बॉटल्स में हम फ्रिज में पानी रखते हैं, लेकिन अगर आप कांच की बॉटल लेना चाहें और उसे संभाल सकें तो और भी अच्छा है। खैर मेरे लिए ये प्लास्टिक की बॉटल ही काफ़ी रहती है क्योंकि इसे हैंडल करना आसान है। और अगर आप भी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं तो दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ कि वो फूड ग्रेड की ज़रूर हो, और दूसरी चीज़ कि उसका कलर लाइट हो, मतलब हल्के रंग की हो ताकि लाइट उसमें आर पार आ जा सके। तो इसमें हमें डाल देना है बालछड़, कित्ता बालछड़। जब हम साबुत बालछड़ को तोड़ के डालते हैं तो बीच बीच में बहुत गैप रह जाता है, तो बोतल में आधे बोतल तक आ जाने दीजिए बालछड़ को, उसके बाद उसमें ऑयल डालना है। तो इसमें कौन सा ऑयल डालेंगे? ऑयल हम वो डालेंगे जिससे हम सर में चंपी करते हैं, जिसे हम रात भर के लिए सर में छोड़ते हैं। जनरली जो भी तेल आप यूज करते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तिल का तेल, मूंगफली का तेल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं। मैं जनरली कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, लेकिन जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तो बहुत ठंड थी, नारियल तेल तो जम जाता है पूरी तरह, तो मैंने इसमें सरसों का तेल यूज किया है। और खैर उस वक्त इत्तेफाक से मुझे घर के खेत की 100% सरसों का तेल मिल भी गया था। लेकिन एक बात का और ख्याल रखना है कि जो ऑयल हम खा नहीं सकते तो उसे हमें बालों में नहीं लगाना। मतलब कि अगर ऑयल इतना प्योर नहीं है कि उसे खाया जा सके तो उसकी चंपी भी क्यों करनी है। मतलब अगर आप डालेंगे सपोज कीजिए नारियल तेल, तो आपको पैकेट पे देखना है कि क्या वो एडिबल है। अगर आप सरसों का तेल लेते हैं तो आप देखिए कि क्या उसे आप खा सकते हैं। तिल का तेल लेते हैं या ऑलिव ऑयल लेते हैं या कोई भी ऑयल लेते हैं, वो एडिबल होना चाहिए। अगर वो खाने के लिए हेल्दी है तो ही आपको उसे बालों में लगाना है, अदरवाइज हेयर ऑयल में इतने तरह के केमिकल होते हैं कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके हेयर फॉल के लिए। तो ऑयल भर के इसमें कैप लगा दीजिए और इसे रख दीजिए किसी खिड़की के पास जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो, और अगर ऐसी जगह नहीं है तो किसी भी टेबल पर रख दीजिए जहाँ नॉर्मल लाइट हो। बस ध्यान दीजिए कि इसे किसी अलमीरा में बंद करके मत रखिए या किसी ऐसे कोने में मत रख दीजिए जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता हो। 20 दिनों के लिए इसे छोड़ दीजिए, चाहे तो कभी कभी बीच में धूप में रख सकते हैं, भूल जाएं तो भी चलता है। और 20 दिनों बाद आपका ऑयल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, डार्क रेड कलर का आपका ऑयल हो जाएगा, चाहे किसी भी कलर का आपने ऑयल डाला हो। 20 दिन बाद ऑयल को छान के निकाल लीजिए, आपका ऑयल रेडी है। रात को मस्त चंपी कीजिए बालों में, अगले दिन वॉश कर लीजिए। कोई कंडीशनर नहीं, कुछ नहीं, बाल पहले ही झड़ रहे हैं, केमिकल से जितना दूर रह सके अच्छा है। बहुत ज़रूरत हो तो नेचुरल कंडीशनर यूज़ कर लीजिए, दही शहद मिला के या केला और दही साथ में ग्राइंड करके, वैसे ज़रूरत नहीं होती। प्री कंडीशनर है ऑयल, अगर आपने अच्छे से लगाया है स्कैल्प पे और बालों पे तो वॉश के बाद ऐसे ही बाल अच्छे हेल्दी दिखाई देते हैं। अच्छा हाँ, तो हमने छान के ऑयल को निकाल लिया था, जार में बचा हमारे पास बाल छड़, दोबारा उसमें फ्रेश ऑयल डाल दीजिए, और जब तक ये वाला तेल आप यूज़ करके ख़त्म करेंगे तब तक आपके पास नया हेयर ऑयल तैयार है। और तीसरी बार
तीसरी बार बाल छड़ चेंज कर दीजिए, कितनी बार एक ही यूज़ करेंगे भाई, तो दो बार, एक बार का बाल छड़ आपको दो बार हेयर ऑयल देगा। ये रही रेमेडी, इसकी प्रॉब्लम एक ही है कि ये सिंपल बहुत है, तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड चाहिए तो मेरे बस का तो है नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑयल लगाने से पहले अपने बालों को कॉम्ब करिए, क्योंकि एक बार आपने ऑयल लगा लिया उसके बाद जब आप कॉम्ब करते हैं तो बाल काफ़ी गिरते हैं। और मेरा सजेशन है कि जब आप ये ऑयल लगाना शुरू करते हैं तो 6 महीने के करीब लगाइए। इससे हेयर फॉल तो खैर शुरू में ही रुक जाता है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा आ जाता है, जो नेचुरल आपका वॉल्यूम है वो लौट आता है। तो ये था आज का वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और यूज़ करके कमेंट में मुझे बताइए कि कैसा लगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।